मेजर प्रयास है। उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2,827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस दौरान माफिया या इनके साथियों को जो दंडित कराया है उनकी संख्या लगभग 48 है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए की का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सजा दिलाने की और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा किया था उसको भी आज कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं मोहर लगाएगी। जी अवश्य, जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऐसे माफिया जो कि पिछले 40 वर्षों से लगातार अपराध कर रहे हैं तो मुख्य माफियाओं को जो सजा दिलाने की कड़ी के क्रम में आज ये महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके पहले भी जो
चिन्हित माफिया हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, और मैंने संख्या टोटल आपको बताई उनके और उनके गुर्गों की 48। आज उसमें एक और कड़ी 49वें नंबर पे कन्विक्शन की जुड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक पुलिस कार्मिक और अधिकारी ये जो माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की का जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति देगा।